Hello all, welcome to my channel Feast and Frolic. This is Supriya Jain. आज मैं आपसे share करूँगी एक requested recipe. First of all, thanks a lot for showering your love and blessings to me. मेरे पास request आई थी जब मैंने ठंडाई की post share की थी. जब मेरे पास request आई थी sugar free ठंडाई कैसे बनाएं. मेरे प्यारे viewers की ये problem सॉल्व मैं आज इस वीडियो से करूँगी. नाउडेज मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ओबेसिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो ये ठंडाई जो मैं बना रही हूँ इसमें शुगर बिल्कुल भी एडेड नहीं है, तो आप इसे गिल्ट फ्री कंज्यूम कर सकते हैं. मैंने इसमें डेट्स का यूज़ किया है. डेट्स ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और डायबिटीज़ फ्रेंडली है, इसीलिए डेट्स का कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स बिगिन विद दैट रेसिपी. सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे. फिर जैसे हम माइक्रोवेव को प्री हीट करते हैं, हम पैन को गर्म कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए. हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है. हमने इसे गैस पर से उतार लिया है. अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप आमंड्स, 1/4 कप कैशू नट्स एंड 1/4 कप पिस्ता. हमने काजू बादाम और पिस्ता को इक्वल रेशियो में लिया है. अब हम इन्हें सॉटे कर लेंगे और हल्के से गर्म होने तक इन्हें सॉटे करेंगे. ये स्टेप हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने नट्स में जरा सा भी मॉइस्चर नहीं रखना है, नहीं तो पीसते समय ये ऑयल रिलीज कर देंगे. क्योंकि हम शुगर फ्री ठंडाई बना रहे हैं, हम नट्स को पीसते समय जरा से भी शुगर ऐड नहीं करेंगे जो कि नॉर्मली पीसते समय की जाती है, इसीलिए इस स्टेप को स्किप ना करें. इसको हीट होने के बाद बिल्कुल ठंडा करके ही हमें मिक्सी में पीसना है, नहीं तो ये अगर गर्म रहे तो ये फिर से ऑयल रिलीज कर देंगे. मिक्सचर का फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दबदबा ही रखना है. मिक्सी को रोक रोक कर चलाएं, एक साथ चलाने की गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये ऑयल रिलीज कर देंगे. पैन को हमने फिर से प्री हीट कर लिया है. अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून मस्कमेलन सीड्स, 2 टेबल स्पून पॉपी सीड्स, 2 टेबल स्पून वाटरमेलन सीड्स, 2 टेबल स्पून काले मिर्च, 15 इलायची, 4 टेबल स्पून ड्राइड रोज पेटल्स और थोड़ी सी केसर. अब हम इन्हें भी स्टर करके वार्म कर लेंगे. यही इंग्रेडिएंट्स हमारी ठंडाई को फ्लेवर देते हैं. ये सारे इंग्रेडिएंट्स अब ठंडे हो चुके हैं. अब हम इन्हें पीस लेंगे. पीसने के बाद हम इस मिक्सचर को भी हमारे मिक्सचर में ऐड करके स्टर कर लेंगे. मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है. मिक्सचर अब रेडी है. अब हम इसकी ठंडाई बनाएंगे. 1 ग्लास ठंडाई बनाने के लिए हमें 2 से 2.5 चम्मच ठंडाई का पाउडर एक बोल में ऐड करेंगे और थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म मिल्क इसमें ऐड करके इसे 1 से 2 घंटे के लिए सोक कर देंगे. आप चाहे तो पानी में भी इसे सोक कर सकते हैं. 2 घंटे हो गए हैं, ठंडाई के सारे फ्लेवर्स इस मिल्क में आ गए हैं. अब हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे. अब हम इसमें 3 से 4 भीगे हुए खजूर ऐड करेंगे. ये खजूर मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे. अब इसे पीस लेंगे. अब हम इस पेस्ट को एक ग्लास में पोर करेंगे. फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ आइस की क्यूब्स और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिल्ड मिल्क और स्टर करेंगे. इस ठंडाई में हमने शुगर का एक भी ग्रैन्यूल ऐड नहीं किया है. आप इसे रोज पेटल से भी गार्निश कर सकते हैं. तो ये हमारी शुगर फ्री एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग ठंडाई बनकर बिल्कुल तैयार है. अगर आपको शुगर का कंजम्पशन करने से परहेज है तो ये आप गिल्ट फ्री ठंडाई जरूर बनाइए. और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है, डेट्स की स्वीटनेस और ठंडाई के फ्लेवर्स ने इसको एक बहुत ही अच्छा टेस्ट दिया है.